हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अताउर रहमान नूरी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, जेटी आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन, मालेगांव। आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम मुश्ताक अहमद यूसुफी की हयात व खिदमात पर मबनी सवालात बराए मश्क देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, SYBA उर्दू सेमिस्टर थर्ड में हमारा जो पेपर है, स्टडी ऑफ मॉडर्न प्रोस राइटिंग यानी इंशाइया, इंशाइये पर मुश्तमिल हमारी कई वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसमें सिंफ इंशाइया के हवाले से और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंशाइया निगारी और उनके इंशाइयों के तजज़ियों पर मुश्तमिल सवालात को हमने हल किया था। आज की इस वीडियो में मुश्ताक अहमद यूसुफी और उनके इंशाइये हुए मर के जो हम रुसवा, पढ़िए गर बीमार और धीरज गंज का मुशायरा, इस पर चंद सवालात हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक पार्ट वन नहीं देखा है, उनसे गुजारिश है जो पार्ट वन को भी ज़रूर देखें। मिसरा मुकम्मल कीजिए, जीने की अदायात 0-0। स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस, भोली बसरी याद, न मरने की अदायात, न तुम्हारी बेरुखी याद, न तुम्हारी बेवफाई याद। मिसरा इस तरह मुकम्मल होगा, जीने की अदायात, ना मरने की अदा याद। इस सवाल पर मेरा आपसे सवाल ये है कि मिसरा तो आपने मुकम्मल कर लिया, कमेंट सेक्शन में आप शेर को मुकम्मल कीजिएगा। अगला सवाल, बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी, मॉर्फिया का इंजेक्शन किसे लगाना चाहिए? ऑप्शंस, मरीजों को, डॉक्टरों को, मिजाज पुरसी करने वालों को या फिर नर्स को। सही जवाब है मिजाज पुरसी करने वालों को। अब ऐसा यूसुफी साहब ने क्यों कहा है, इसके लिए आपको पढ़िए गर बीमार नामी इंशाइये का मुतालिया करना होगा, जिसमें यूसुफी साहब ने मिजाज पुरसी करने वालों की अलग अलग खासियतों को बयान किया है, या बाल्फाज दिगर ये कह लीजिए कि जो मिजाज पुरसी करने वाले होते हैं उनकी जो अलग अलग तबीयतें होती है और किस तरह से मरीज को वो मजीद बीमार करने का काम करते हैं। तो आप पढ़िए गर बीमार का मुतालिया कीजिए, इसीलिए यूसुफी साहब ने कहा है कि मिजाज पुरसी करने वालों को मॉर्फिया के इंजेक्शन लगाना चाहिए। सवाल, तजहीज व तकफीन के वक्त मुसन्निफ किस शख्स को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता था? अब इसमें मुसन्निफ खुद साहबे कलम है यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब है। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने दोस्त को, अपने बेटे को, मिर्जा को या फिर शर्मा जी को। अगर आपने पढ़िए गर बीमार पढ़ा है तो आपका जवाब होगा मिर्जा। मुसन्निफ तजहीज व तकफीन के वक्त मिर्जा साहब को अपने साथ लेकर जाते थे। सवाल, इनमें से कौन सा एजाज मुश्ताक अहमद यूसुफी को नहीं मिला? सितारे इम्तियाज, हिलाले इम्तियाज, पद्मश्री, आदमजी एवॉर्ड। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुश्ताक अहमद यूसुफी की जाए विलादत और जाए वफात को याद रखिए, इसलिए कि आपकी विलादत हिंदुस्तान में हुई थी लेकिन वफात पाकिस्तान में। पाकिस्तान के ये बड़े एवॉर्ड है, सितारे इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज। जाहिर है पद्मश्री हिंदुस्तान में दिया जाता है और यूसुफी साहब हिजरत कर गए थे तकसीम हिंद के बाद, तो जाहिर है उन्हें पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला होगा। तो आपका सही जवाब है पद्मश्री। अगला सवाल, जरगुजिश्त कब शाये हुई? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, 1976, 1978, 1980 या फिर 1981। सही जवाब है
1976 में ज़र गुज़िश्त नामी किताब यूसुफी साहब की शाय हुई थी। अगला सवाल, ज़र गुज़िश्त पर मुश्ताक अहमद यूसुफी को किस एजाज से नवाजा गया था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, सितारे इम्तियाज, आदम जी एवॉर्ड, कायद आजम एवॉर्ड या फिर पद्म भूषण एवॉर्ड। सही जवाब होगा आदम जी एवॉर्ड। अगला सवाल, मुश्ताक अहमद यूसुफी किस पेशे से वाबस्ता थे? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, उस्ताद, डॉक्टर, बिजनेसमैन या फिर बैंकर। मुश्ताक अहमद यूसुफी की हयात पर मबनी जब हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आपने क्रैक किया और एज ए बैंकर उन्होंने अपनी मुलाजमत की है, अपनी खिदमात अंजाम दी है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी का ताल्लुक बैंकिंग शोबे से था। अगला सवाल, यूसुफी का इंतकाल किस शहर में हुआ? जयपुर, लाहौर, पिशावर या फिर कराची। सही जवाब है कराची। अगला सवाल, मुश्ताक अहमद यूसुफी के इंतकाल कब हुआ? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, 1917, 1918, 1919 या फिर सन 2000। सही जवाब है 1918। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। इसी तरह आप लोग एमसीक्यूज तैयार करें और एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। हमारी दुआएं आपके साथ है। सिलेबस के हवाले से किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, अगली वीडियो में उस क्यूरी को हम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।